Assalamu alaikum classics, this is lecture 26 and today we are going to start new tense, past perfect tense. First of all, we'll start from tense. What is tense and how is it formed? ये किस तरीके से बनता है? Tense verb से बनता है. किससे बनता है? Verb से बनता है. Tense verb से बनता है. And what is verb? Verb is an action word. Verb is an action word. जितनी भी हमारे action होते हैं वो क्या होते हैं? Verb होते हैं. और verb क्या बनाते हैं? Tense बनाते हैं. That's mean tense में verb correct होने से हमारा tense correct होता है और verb wrong होने से tense wrong होता है. और इसी तरीके से tense में verb चेंज होने से टेंस चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर मैं राइट करूंगी आई प्ले गिटार, तो मेरी यहाँ पे वर्ब मेरी डेली रूटीन को डिस्कस करेगा कि मैं यूजुअली मैं गिटार प्ले करती हूँ. लेकिन अगर मैं राइट कर दूं आई एम प्लेइंग गिटार, मैं गिटार बजा रही हूँ, तो दोनों वर्ब डिफरेंट हो जाएंगे. पहले वाला बता रहा है कि मैं बजाती हूँ यूजुअल रूटीन में, और दूसरा बता रहा है कि इस वक्त मेरा एक्शन क्या है, मैं गिटार बजा रही हूँ. और अगर मैं ये राइट कर दूं आई वॉज प्लेइंग गिटार, तो ये बताएगा कि मैं पास्ट में गिटार बजा रही थी. That's mean verb ने मुझे बताया कि तीनों टाइम, तीनों सेंटेंसेस में मेरे एक्शन क्या थे, डिफरेंट थे. तीनों में एक्शन डिफरेंट थे. पहले में मेरी यूजुअल रूटीन का पता चला, डेली रूटीन का, मेरी हैबिट का पता चला. दूसरे में मैं मेरी कॉन्टिन्यूटी का पता चला कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, और तीसरे में पता चला कि पास्ट में मैं क्या कर रही थी. तो verb जो है एक मेन चीज है टेंस में, जो हमें बताता है कि हमारे एक्शन किस तरीके से हो रहे हैं. हमेशा टेंस में वर्ब बताता है कि यहाँ इस टेंस से पता चलता है कि एक्शन किस तरीके से डिस्क्राइब हो रहे हैं. तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमने आज स्टार्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये पता चलेगा कि इस टेंस में एक्शन किस तरीके से जो है डन होते हैं, कौन से एक्शन पाए जाते हैं. तो सबसे पहले पास्ट को डिस्कस करते हैं. पास्ट क्या है? यू वेरी वेल नो पास्ट इवेंट, यानी पास्ट मीन गुजरा हुआ जमाना. परफेक्ट की बात लें तो परफेक्ट जो चीज कंप्लीट होती है, जो चीज कंप्लीटेड होती है, कंप्लीट होती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि ऐसा एक्शन, वर्ब एक्शन है ना, तो ऐसा एक्शन जो माजी में कंप्लीट हो चुका था. एन एक्शन, सच एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो माजी में कंप्लीट हो चुका है, यानी इसमें फर्दर और एक्शन करने की गुंजाइश नहीं है. ऐसा एक्शन जो माजी में कंप्लीट हो चुका. सो पास्ट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो माजी में गुजरे हुए जमाने में कंप्लीट हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे. आई होप आपको टेंस क्लियर हो गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से एक्शंस एक्सप्रेस होते हैं. ऐसे एक्शन जो माजी में गुजरे हुए जमाने में कंप्लीट हो चुके थे, मुकम्मल हो चुके थे, डन हो चुके थे. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की. फॉर्मेशन में आपको पता है किसी भी टेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है. क्या यूज होता है? सब्जेक्ट. एंड देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं. सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वो है हैड. पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? हैड यूज किया जाता है. और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. अच्छा,
इन एग्जांपल्स को रिमूव कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है आई हैड टेकन माय ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ता कर चुकी थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी हैड परफॉर्म एट स्कूल प्ले, वो स्कूल में के प्ले में परफॉर्म कर चुकी थी। इसकी उर्दू में पहचान को भी डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में उर्दू पहचान क्या है, उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी आता है। अब हम एफओजी को ओपन करते हैं। जी डेफिनेशन वही बता रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज अकर्ड इन पास्ट यूजुअली लॉन्ग टाइम अगो एंड इज कंप्लीटेड। क्योंकि पास्ट इनडेफिनेट में भी हम उन एक्शन को डिस्कस करते हैं जो माजी में हुए थे, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़े से उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो थोड़ा अरसा पहले, ज्यादा अरसा पहले कंप्लीट हो चुके थे। सेकंड डेफिनेशन देखें, द पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ टाइम, टाइम को रेफर करता है, अर्लियर देन बिफोर नाउ, अब से पहले वाले टाइम को मेंशन करता है। इट इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर, इस बात को वाजे करने के लिए कि दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट, कि एक इवेंट हैपन हो चुका था पहले एक दूसरे इवेंट से पहले पास्ट में, यानी कि माजी में जो एक्शन हुआ उससे पहले ये इवेंट कंप्लीट हो चुका था। एग्जांपल कह रही है यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू वेंट टू प्ले, यानी माजी में ही एक एक्शन करने से पहले आप उस एक्शन से पहले एक एक्शन कर चुके थे, यानी खेलने जाने से पहले आप इंग्लिश को पढ़ चुके थे, अंग्रेजी पढ़ चुके थे, अंग्रेजी सब्जेक्ट। दोबारा से बता देती हूँ, मैंने बोला था आपको फर्स्ट डेफिनेशन में भी कि पास्ट इवेंट को शो करता है जो बहुत ज्यादा अरसा पहले कंप्लीट हो चुके थे, नियर पास्ट नहीं बल्कि ज्यादा अरसा पहले। तो एग्जांपल में ये बात क्लियर हो गई कि वो एक एक्शन कंप्लीट कर चुका था दूसरा एक्शन करने से पहले, माजी में ही दूसरा एक्शन करने से पहले एक एक्शन उसका डन हो चुका था। लेकिन आपको ये भी क्लियर किया जा रहा है कि अभी जो प्रैक्टिस आपको देंगे वो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगी, सेकंड डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। अफर्मेटिव केस में हम कह रहे हैं वो कि हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। फॉर्मेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, आपने फॉर्मेशन को 5 times लिखना है, रफ कॉपी पे टेबल देख लें। कह रही है कि सम एडवर्ब्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस, यस कुछ एडवर्ब्स हैं जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। आप कौन से वो एडवर्ब हैं देख लें, ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, टिल, येट, जस्ट, बिफोर। इस टेबल को याद कर लेना है, इसकी उर्दू मीनिंग भी याद कर लेना है ताकि उर्दू जुमले में जब ये वर्ड्स यूज हो तो आपको पता हो कि इनकी आपने कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है। एग्जाम्पल देखिए, दे dash some information for the trip to France, already or collect, ऐसा टेंस जिसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज हो रहा है हम, और अगर हमने उसमें एडवर्ब का यूजेज करना है तो हम दोनों के सेंटर में करते हैं। इस एग्जाम्पल में देख लें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है और उसके सेंटर में बिटवीन हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिटवीन हमने एडवर्ब यूज किया है। अच्छा जी, फिल इन द स्पेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैरेंथेसिस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो वर्ब आपके पास क्या आ रहे हैं, आपके पास वर्ब आ रहे हैं उनको आपने, वर्ब आपके साथ एडवर्ब के साथ आ रहे हैं आपने उनको सॉल्व करना है। ये आपके पास जो एग्जांपल है ना, ये गर्ल सॉल्व हुई हुई है, इसमें हैड पहले आएगा, ठीक कर लेना आप भी, ठीक है,
इसको आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, कल हम इसे टैली करेंगे, ठीक है? खुद से स्टडी करना है, समझ के फिर आपने सॉल्व करना है। तो आज के लिए सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज है, आपने फॉर्मेशन 5 फ्रेम रफ कॉपी पे लिखनी है, टेबल लर्न करना है और इस एक्सरसाइज को पेंसिल से सॉल्व करना है, नॉट विद पेन।